अपने पापी पिता को अपने मार्ग से उसे स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के पास में भेज दिया है। दुश्मनी करो तो इतनी करो कि लोहू के प्यासे बन जाओ, और अगर मित्रता करो तो ऐसी करो जैसे कि दूध और पानी की होती है। पानी चाहे कितना भी हो, अगर एक बूंद दूध की डाल दो तो पानी को अपने ही रंग में रंग लेता है। इसलिए विद्वान कहते हैं मित्रता करो तो सुदामा कृष्ण जैसी करो, हनुमान बलराम जैसी करो, और दुश्मनी करो तो ऐसी करो जैसे लोहार लोहे से करता है। गरम पीट पीट करके क्या क्या बना देता है उसे। दुश्मनी करो तो लोहू के प्यासे बन जाओ। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी समझाते ही हे राजन परीक्षित, आज बेटा प्रहलाद जी को राज देकर की भगवान और आगे के लिए बड़े हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, इन्हीं बेटा प्रहलाद की वंश में राजा हुए जिनका नाम था बहरोचन, और महाराज इन्हीं बहरोचन का एक बेटा था जिसका नाम था बली। बहरोचन ने बेटा बल को स्वयं ही जन्म दिया था। ठीक है, बोलो। हेलो। भारी तप किया, साधु महात्माओं को बुला बुला करके बिठा लिया है, और एक बियाबान जंगल में तप कर रहे थे तो इन्हें प्यास लगी। प्यास साधु संतों ने एक गगरी को रख दिया और अपनी ज्ञान विद्या से उस गागर में अमृत भर रहे हैं। क्या अमृत भर रहे हैं? बैरोचन को प्यास लगी, आधी रात का समय था, तो उन्होंने उस गागर को उठाया और पानी समझ करके उस अमृत को पी लिया है। जब पी लिया, संत भगवान ने सुबह होते ही होते कहा गागर कहाँ है? गागर में जो हमने मंत्र पढ़ पढ़ की पानी को रखा वो कहाँ गया? तो बहरोचन ने कहा महाराज वो तो मैंने पी लिया, कि अब तो तुम्हें गर्भ धारण करना पड़ेगा। क्या? अब तुम्हें गर्भ धारण करना पड़ेगा। महाराज बहरोचन ने विचार किया, अगर पुरुष जन्म देने लगेंगे तो स्त्रियों का क्या होगा, मैं भला कैसे पुत्र को जन्म दे सकता हूँ? बोले कुछ भी करो, अब तो तुम्हें एक बालक को जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कुच्छा में एक बालक पल रहा है। बहरोचन बड़े ही लज्जित हुए, महलों में से बाहर नहीं निकलते हैं, शर्म से बड़े ही परेशान हैं। धीमे धीमे से 9 मास पूर्ण हो गया, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, क्योंकि बच्चा निकलने का कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि संतान जन्म ले तो कहां से ले। विचार करना मेरे भैया, अगर संतान जन्म ले तो कहां से ले, क्योंकि बे मैया ने वो स्थान नहीं बनाया है। इंद्र को इस बात की चिंता हुई तो इंद्र चला है अपनी इंद्रपुरी से, और आकर की महाराज बहरोचन की दाहिनी कोख को फाड़ा, और जब कोख को फाड़ा है तो बेटा बहरोचन महात्मा बहरोचन के
सुंदर सा बेटा हुआ और उसी बेटे का नाम बल रख दिया है। क्या बल रख दिया है? जन्म लेते ही लेते अपने प्राण अपने पिता के प्राणों को देख नहीं पाया, अपने पिता की स्वर्ति को नहीं लग पाया, क्योंकि बेटा ने जन्म लिया तो पिता के प्राण फकेरू उड़ गए। इसलिए देवताओं ने उसका नाम बल रख दिया है, बल। राजा बलि दैत्यों का सरदार है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा दानी है। ऐसा दानी, बोले कैसा दानी? सुनो,